3 बजे तक अगर नामांकन हो जाता है तब तो 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 6 ही रहेंगे 3 बजे तक तब तो सब लोग निर्वाचित हो जाएंगे। उनका काम है पढ़ाने का, तो आंदोलन पर कूद रहा है। सरकार बार बार कह रही है कि आपके समस्या को देखेंगे, हल करेंगे, और उसके बाद भी आंदोलन करते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। उसका निदान के लिए आश्वासन भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, तो आप क्यों बार बार उत्तेजित होकर के आंदोलन कर रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार में 6 सीटों की मारामारी भी अब शुरू हो सकती है, क्योंकि एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक पार्टियों के तरफ से अपने अपने कैंडिडेटों का ऐलान कर दिया गया है, वहीं एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है कि एनडीए का खेमा एक और कैंडिडेट को खड़ा कर दे, क्योंकि जिस तरीके का विधानसभा में गणित है, वैसी परिस्थिति में अगर कांग्रेस के उम्मीदवार अखिलेश प्रसाद सिंह को उनकी पार्टी के नेताओं का सहयोग नहीं मिला, साथ ही महागठबंधन के विधायकों का सहयोग नहीं मिला, तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। और बीजेपी, जेडीयू, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अलावा राजद के 3 बागी विधायक के एक साथ आने से मामला जो है अब कांटे का बनता दिखाई दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में 7वें उम्मीदवार को खड़ा करने की चर्चा चल रही है। इसके अलावा नियोजित शिक्षकों को लेकर भी मंत्री श्रवण कुमार के तरफ से बड़ी बात कही गई है। सबसे पहले 7वें उम्मीदवार और नियोजित शिक्षकों को लेकर मंत्री श्रवण कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, वो पहले आप सुनिए। ये अच्छी परंपरा है, पहले से भी ये परंपरा रही है, बीच में कुछ परंपराएं टूटी थी, लेकिन इस बार स्पीकर के चुनाव में सर्वसम्मत निर्वाचित होंगे आदरणीय नंद किशोर यादव जी। ये राज्य के लिए बहुत अच्छी खबर है, संसदीय परंपरा के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है कि सब लोग एक मत होकर अपने विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव कर रहे हैं। सभी माननीय विधायकों, सभी दलीय नेताओं को शुभकामना देता हूं कि इसी तरह की सोच रखें ताकि बिहार और आगे तेज़ी से बढ़ सके। राज्यसभा के लिए 7वां कैंडिडेट सामने आने की उम्मीद लग रहा है। हमको इस बात की जानकारी नहीं है कि 7वां उम्मीदवार हो रहे हैं कि 8वां हो रहे हैं, ये जानकारी प्राप्त करके आपको जरूर बताएंगे कि 7 हो रहे हैं या 8 हो रहे हैं या 6 ही रहेंगे, ये जानकारी प्राप्त करके। चूँकि आज नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है और 3 बजे तक नामांकन की तारीख है, तिथि है, तो 3 बजे तक अगर नामांकन हो जाता है तब तो 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, लेकिन अगर 6 ही रहेंगे 3 बजे तक तब तो सब लोग निर्वाचित हो जाएंगे। धन्यवाद। शिक्षक को लेकर सर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को रहे हैं। अच्छा भाई, आंदोलन उनका काम है पढ़ाने का, तो आंदोलन पर कूद रहा है। सरकार बार बार कह रही है कि आपके समस्या को देखेंगे, हल करेंगे, और उसके बाद भी आंदोलन करते हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आंदोलन तब होता है जब आपकी बात सुनी नहीं जाए, आपकी बात समझी नहीं जाए। आपकी बात को समझी गई है, सुनी गई है, उसका निदान के लिए आश्वासन भी सरकार के तरफ से दिया जा रहा है, तो आप क्यों बार बार उत्तेजित होकर के आंदोलन कर रहे हैं। तो अभी आपने सुना कि इस तरीके से 7वें उम्मीदवार को लेकर लोकतंत्र के पक्ष में मंत्री श्रवण कुमार बात कर रहे थे, वहीं नियोजित शिक्षकों को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आंदोलन की जरूरत नहीं है, सरकार ने कह दिया है कि वो उनके लिए जरूर काम करेगी, उनकी बातें सुनेंगी और उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। ऐसे में शिक्षकों का काम पढ़ाने का है, वो अपने काम पर ध्यान दें, प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। तो नियोजित शिक्षकों की जो मांग है, सक्षमता को खत्म किया जाए, और इसके अलावे भी उनके तरफ से कई डिमांड रखी गई है। अब देखना है आज क्या सरकार उनकी बातें सुनती है और उस पर क्या कुछ फैसला लेती है। लेकिन आज 3 बजे तक अगर कोई 7वां उम्मीदवार नामांकन करता है तो फिर इन 6 राज्यसभा सीटों को लेकर चुनाव भी कराया जाएगा, क्योंकि पहले लगता
कार्यकर्ता कि निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे तमाम उम्मीदवार, लेकिन अगर भी एक भी अलग से नामांकन होता है तो फिर मुसीबत जो है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की बढ़ सकती है, क्योंकि उनको ही सहयोगी दलों की जरूरत है। और साथ ही साथ जोर तोर की राजनीति एक बार फिर से आपको इस राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।